नमस्कार, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है चिकन का। बहुत लोग रिक्वेस्ट किए थे और हमारे यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, वो भी किए थे, तो लेकर के आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो साझा भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए। चिकन बनाने के लिए सबसे पहले मैं मसाला क्या क्या ली हूँ वो बता देती हूँ। ये 1.25 किलो चिकन है और इसको खूब अच्छे से मैं 7-8 पानी से धो ली हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है आप लोगों को, जैसा कि पता है मैं शुरू में ही बता दी थी। देखिए, इसके लिए मसाला ली हूँ, ये 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ली हूँ, साबुत रहेगा तो साबुत भी लूँगी। और सॉरी, बड़ा इलायची और छोटा इलायची लेना मैं भूल गई, इसमें मैं बाद में डाल दूँगी उसमें। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, ये 3-4 फूल वाला गरम मसाला है। 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा बड़े वाले से मिर्ची पाउडर है, 1/2 ही चम्मच है ये। हल्दी पाउडर बड़े वाले से, और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ये चिकन मसाला है। और इधर ये 5-6 तेज पत्ता है, 4-5 ये लाल मिर्च है, ये तीखा वाला नहीं है, नॉर्मल है। तो यहाँ ज़्यादा ब्लैक पेपर आ गया था तो मैं साइड कर ली हूँ। और इसमें नमक है, दही है यहाँ पर, और डाल दूँगी। ये दही करीब 100 ग्राम के आसपास होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें डालती हूँ मैं। बाकी ये सारा मसाला मैं डाल रही हूँ, सब कुछ डाल दी। ये 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, और अब इसमें नमक डाल रही हूँ। इसमें 3 पाव के आसपास मैं लूंगी प्याज, और 2 बड़े साइज का टमाटर, और इस सबको अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ। और इसको टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं 1 घंटा इसको बना करके छोड़ दूंगी, मिला करके, सॉरी। तब तक प्याज टमाटर मैं चॉप कर लूंगी, इसके बाद इसको बनाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए 1 घंटे बाद मिलती हूँ। देखिए, लगभग 3 पाव में प्याज काट ली हूँ, बड़े साइज का है सारा, काट ली सारा। अब कढ़ाही चढ़ा देती हूँ मैं उधर, 3 पाव से 1-2 ज़्यादा ही ले ली हूँ। और अब इधर कढ़ाही चढ़ा दी हूँ, ये सरसों तेल में मैं बना रही हूँ। ये 100 ग्राम के आसपास सरसों तेल डाली हूँ, बड़े वाले से 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ उसमें। और 2 बड़े साइज का मैं टमाटर ले ली हूँ, उसको भी काट लूँगी, ये गोल्डन हो जाएगा। फिर इसमें सबसे पहले हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालूंगी। हो गया, अब इसमें डाल दे देगी और इसको 5-7 मिनट तक फ्राई करूंगी। मसाला तो चिकन में डाली ही हूँ सब कुछ, तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कर डाल दी बड़े साइज का, और अब इसी टाइम पर इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल दूंगी, ताकि प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए। 7 मिनट के आसपास इस प्याज को भून लेंगे, फिर चिकन डाल करके मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। या अब इसमें डाल करके मैं ढक दूंगी और मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। इस टाइम पर इसको चलाऊंगी नहीं, मैं ऐसे कर फैला दूंगी इसको, ताकि प्याज और टमाटर अच्छे से ढक जाए, जो एक ही साथ चिकन भी पके और प्याज टमाटर भी और पक जाए। और मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ दूंगी ढक करके। 7 मिनट के आसपास हो गया है, देखिए ये साथ में कितना अच्छा लग रहा है, ये पक भी गया है और साथ में भून भी रहा है। फिर ऐसे ही 2 मिनट के लिए चला करके ढक दूंगी। ऐसे ही चलाते चलाते 20 से 25 मिनट में ये हमारा चिकन तरी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब इसको तेज़ फ्लेम पर
खोल करके ही 5 से 7 मिनट फ्राई करूँगी, भूनूँगी। इसके बाद इसमें अपने अकॉर्डिंग तरी डालूँगी, तो मैं तो थोड़ा ही डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग डालें। तो इसको फुल फ्लेम पर बिना ढके अच्छे से भून लेती हूँ। अब ये खुला ही 5 मिनट तक फ्राई करूँगी खुले मतलब तेज फ्लेम पर। इसके बाद थोड़ा सा ही मैं तरी डालूँगी अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग डाल दें। ये हो गया, अब मैं तरी डाल दूँगी। ये गरम पानी डाली हूँ, आप चाहो तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। देखिए ये बनकर तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से मिला दीजिए। कर तैयार हो गया है, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। पहले से भी जुड़े हैं तो ज़रूर कमेंट करें कैसा लगता है, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक दो ग्रुप में अच्छा सा शेयर कर दें। और उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।